subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा तालिबात, पिछला वीडियो मुझे लगता है कि पिछला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, आपका लाइक हमारी हौसला अफज़ाई करता है। इसलिए हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दूसरे हिस्से की तरफ शुरुआत करते हैं, जमात नहम के तीसरे सबक दावत के। सबसे पहले देखते हैं ठग। कदीम हिंदुस्तान में डाकू और खातिलों के ग्रोह में शामिल लोग ठग कहलाते थे। यानी ठग कौन कहलाते थे? कदीम हिंदुस्तान में डाकू और खातिलों का ग्रोह होता था। एक मजहबी फ़िरका भी था जिसमें हिंदू मुसलमान सभी शामिल थे। ठग गांव-गांव पहुँचते, मेलों यात्राओं में भेष बदल कर घूमते। जिसे लूटना या कत्ल करना होता इसके बारे में सारी मालूमात एक ख़ास ज़बान में अपने साथियों तक पहुँचाते रहते। इनके कत्ल करने का तरीका यह था कि मक्तूल के गले में फंदा डालकर कस देते। समाज के बहुत से अमीर और रईस अफराद इनके हिमायती थे। अंग्रेज़ हुकूमत के ज़माने में ठगों के खात्मे की कोशिशें की गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 6 साल के अरसे में सैकड़ों ठगों को गिरफ्तार और क़ैद किया। चलिए इस सबक के हिस्से की तरफ आते हैं और शुरुआत करते हैं। पहली दावत मुझे ऐसे साहब के यहाँ खानी पड़ी, यानी मुसनफ़ की पहली दावत कहाँ थी? ऐसे साहब के पास थी जो कपड़े बुनते थे। सारी बस्ती मधु थी, यानी बुनकर थे। मई का महीना और दोपहर का वक्त, मकान व मैदान का कोई नशीब व फराज ऐसा ना था जहाँ खाने वाले ना बैठे हो, यानी मकान के हर हिस्से में खाने वाले बैठे हुए थे। फ़र्श व दस्तरखान का वहाँ कोई दस्तूर ना था, जिसको जहाँ जगह मिल गई बैठ गया। यानी आज के आम दावतों में यही हाल हो रहा है, फ़र्श और दस्तर में जिसको जहाँ मिल रहा है वहाँ बैठ जा रहे हैं। एक हाथ में गरम गरम तंदूरी रोटी दी गई है, यानी तंदूरी रोटी, हम तंदूरी रोटी कहते हैं, पुराने ज़माने में तंदूरी रोटी कहते हैं। मिट्टी के एक बर्तन में ज़मीन पर सालन रख दिया गया है, यानी मिट्टी के कुंडे होते हैं ना, पुराने ज़माने में कुंडों में सालन दिया जाता था, आजकल तो लोग मायूब समझते हैं उसे। भिश्ती ने मुश्क से ताम चीनी के गंदे शगुफ्ता गिलास में पानी पिलाना शुरू किया। भिश्ती बहश्ती का मखफफ है। ये पानी पिलाने वाले सखा को कहा जाता है। आमतौर पर बहश्ती का ये एक ख़राब किस्म का लफ्ज़ बन गया है। मुश्क एक आम किस्म की पानी की छागल होती है जिसमें इसे इस्तेमाल करते हैं। और ताम चीनी के गंदे शिकस्ता गिलास में पानी पिलाना शुरू किया। सामने एक नियाजमंद कुत्ते साहब भी मौजूद थे, यानी कुत्ता सामने बैठा था जो दावत में कुछ चीज़ें बच जाती उसे खाने के लिए इंतज़ार कर रहा था। दुम टांगों के दरमियान खुद दो जानू बैठे हुए, नज़रें नीचे, बहुत कुछ भूखी चेहरे और जिस्म पर हंसा के गैर फानी नखोश, जिन पर मक्खियाँ मसरूफ़ गज़ल खानी थी। तो कितने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, यानी कुत्ते का खाका इस तरीके से खींचा है, दो जानू बैठे हैं, नज़रें एक नीचे की हुई है, बहुत कुछ भूखी चेहरे और जिस्म पर हंसा के गैर फानी नखोश, जिन पर मक्खियाँ मसरूफ़ गज़ल खानी, यानी मक्खियाँ भिन भिना रही है, उसे गज़ल खानी के लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किया गया है। पास ही एक बूढ़े खाँसते जाते थे, खाते जाते थे और खलाल करते जाते थे। बूढ़े साहब हैं, अब बुढ़ापे में अक्सर खांसी आ ही जाती है। खाते जाते थे और खांसते भी जाते थे और खलाल करते थे, यानी दांतों में खलाल करते थे। एक बारीक काढ़ी का रेशा लेकर दांतों से अक्सर बोटियाँ वगैरह टुकड़े निकाला करते थे। नाती गोद में, पोता कंधे पर, यानी दो बच्चे उनके साथ में थे, एक नाती एक पोता। एक तो खड़ा हुआ था कंधे पर था और नाती गोद में बैठा था। पोते ने एक हड्डी कुत्ते के सामने फेंक दी, यानी जो हजरत थे उनके बूढ़े साहब के पास के पोते ने कुत्ते को हड्डी फेंक दी। अब मालूम हुआ कि एक और कुत्ते साहब कहीं करीब ही मुराकबे में बैठे हुए थे, जिन्होंने यकलख्त गुर्रा के जो जस्त की है तो मेरे मुकाबिल के कुत्ते पर आ गिरे। यानी एक कुत्ता सामने बैठा था और उसके पीछे ही दूसरा और एक कुत्ता मुराकबे में, यानी आंखें बंद किए हुए बैठा था। ऐसा लग रहा था कि वो योगा कर रहा है। मुराकबा करना आमतौर पर यह योगा करने की एक किस्म है। तो वो कुत्ता पहले कुत्ते पर जस्त लगाकर, यानी जंप लगाकर वो आकर गिरा। लेकिन जस्त के दौरान दादा, नाना, पोती, पोता, नाती के पूरे शजरे नस को ढाते चले गए। खलाल दादा या नाना के गले में जा फंसा, पोते नाती मेरे सालन में आ रहे, एक हल्लड़ मचा। मशहूर हुआ कि महतू दादा पर गाजी में आ गए, सारे खाने वाले भाग खड़े हुए।
अब देखिए यहाँ पर जैसे ही कुत्ते ने जस्त लगाई कूदा, तो कूदते ही दो जो दादा पर या नाना बैठे थे उन पर नाता पोती दोनों भी आकर गिर गए। और जैसे वो गिरे खलाल दादा के या नाना के गले में जा फंसा। पोते नाती सालन वहाँ से उठकर सीधा मुसन्निफ़ के सालन पर गिरे। जो हुल्लड़ मचा तो ऐसा मन लगा कि दो गुंडे या दादा एक दूसरे पर गिर रहे हों। और नाम किसका लिया गया, एक महतो दादा है और दूसरे गाजी मियाँ हैं। अब तमाम के तमाम लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। ये तो मेरे अय्यामे जाहिलियत का किस्सा था। होश संभाला तो एक मशहूर शहर में डिप्यूटेशन पर जाने का इत्तेफाक हुआ। डिप्यूटेशन के माने होते हैं दूसरे की जो नौकरी होती है, ड्यूटी होती है, वहाँ पर जाकर दूसरा कोई छुट्टी पर हो, रुख्सत पर हो, तो वहाँ पर काम करना। रमज़ान का महीना था। शाम को वहाँ के मशहूर मस्जिद के इमाम साहब के यहाँ इफ्तार पर हम सब मधु थे। आमतौर पर रमज़ान में जो इफ्तार वगैरह होती है उसके बारे में यहाँ बात की गई है। जहाँ एक हजूम था, हमारे सामने भी इफ्तारी रख दी गई। अभी हमने मुश्किल से दो एक लुकमे फरू किए होंगे कि एक हमला हुआ। चंद सूरमा हम पर टूट पड़े और जो कुछ सामना था उसे चट करके आगे बढ़ गए। देखिए पुराने ज़माने में आमतौर पर दस्तर पर रखी जाती चीज़ें थी तो लोग ऐसे टूट पड़ते थे कि जैसे कुछ मिलता ही नहीं हो। अक्सर मस्जिदों में इस किस्म के नज़ारे होते हैं कि लोग क्या करते हैं, जो इफ्तारी के लिए रखा जाता है उसे उठा उठा कर छीन कर भागने लगते हैं। तो यही हुआ यहाँ पर भी। मालूम हुआ कि वहाँ का यही दस्तूर था कि जो चाहे जिसके सामने से उफ्तारी उचक ले। ऐसा करने से मेज़बान को सवाब मिलता है। और हमारे साथ दो साथ रोहिलखंड के एक पठान तालिब इल्म थे, यानी उसे बा से सवाब समझा जाता था। देखिए कितनी ख़राब बात है। और वो मुसन्निफ़ के साथ कौन थे, एक रोहिलखंड के पठान तालिब इल्म थे। रोहिलखंड ये एक इलाका है जो उत्तर प्रदेश के जुनूब में आता है। वो बड़े मुतहयर हुए। उनके तेवर से मालूम होता था कि वो इस वाक़े को नज़रअंदाज ना करेंगे। जब नमाज के लिए लोग खड़े हुए और हर शख्स नियत बांध चुका तो उन्होंने अपनी टोपी तो जेब में रखी और सामने से एक नमाजी की पकड़ी उचक कर अपने साथ रख ली और सलाम फेरते ही इसे छत से नीचे फेंक दिया। जहां हज़ारों फ़कीर टूट पड़े और आनन फानन पगड़ी का तबरुक तकसीम हो गया। झगड़ा बढ़ा तो उन्होंने फरमाया, हमारे तरफ दस्तूर है कि नमाज में जो जिसका अमामा चाहे उचक ले, नमाज के बाद वही अमामा गुरबा में बटवा दिया जाता है। अब देखिए कितनी बात है, यानी सबक सिखाने का एक नया तरीका यहाँ पर उस तालिब इल्म ने ढूंढ लिया था। रात को दावत थी, सारे मेहमान दो जानों बैठे। बिल्कुल ऐसा मालूम होता था जैसे ठगों का ग्रुप है। हम सब भी बैठ गए। एक बड़ी सीनी में बिरयानी का अहराम बना हुआ था। सीनी ये किस्म का बड़ा रकाब होती है जिसमें बिरयानी रखी गई थी। अहराम बनना यानी ये तिकोनी एक शक्ल बन गई थी अहराम मिस्र की तरह से, जिसके ऊपर एक देगची शोरबे की उंडेल दी गई थी, यानी वहाँ पर शोरबे की देगची डाली गई थी। लोग सीनी पर टूट पड़े और बराह रास्त दस्त बदहन हो गए। हमारे रोयल खंडी दोस्त चुपचाप बैठे रहे। यानी लोगों को आदत हो गई थी कि लूट कर खाना, ये किस्म का लूट कर खाना खाने का तरीक़ेकार है। मेज़बान तो उन्हें देखकर खामोश रहे, लेकिन एक बुज़ुर्ग जिनकी दाढ़ी चावलों की माला बन गई थी और शोरबा गंगा जमुनी खज़ाब की बहार दिखा रहा था, ख्वाब से सर उठाए बगैर बोले, खाओ सेठ साहब खाओ, नहीं तो एक मुसलमान का माल ज़ाय होगा। दोस्त बोले, बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन दूसरे मुसलमान की जान भी तो ज़ाय होगी। अब ये देखिए ये वहाँ के ज़माने ख़याम ही में एक और जगह से दावतनामा आया। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, इसके बाद का हिस्सा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। तो तब हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।